time taken by A plus B to complete the work. ठीक है, कितना time लग रहा है पूरा काम करने में A और B को, कितना लग रहा है 6 days लग रहा है. ठीक है, तो तुम क्या करोगे, work done कितना हो जाएगा, A और B अगर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/6 पार्ट ऑफ द वर्क. ठीक है, वर्क डन निकाल लिया यहां पर. अब क्या करेंगे, व्हाइल ए अलोन कैन डू द वर्क इन 9 days, अकेला ए जो है कितना टाइम लग रहा है अकेले ए को, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क इज 9 days. अकेले ए काम करता है तो उसको 9 दिन लगते हैं, तो मैं निकालूंगी वर्क डन बाय ए इन 1 day कितना हो जाएगा, 1/9. ठीक है, अब बी का निकालो कि सपोज वही काम बी अगर करता है तो उसको लगते हैं एक्स डेज. ठीक है, ये हमने मान लिया, तो फिर वर्क डन बाय बी इन 1 day, एक दिन में बी को कितना टाइम लगेगा, 1/x, इतना ही तो टाइम लगेगा. ठीक है, अब देखो हमारे पास यहां पर क्या गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, और ये एक सॉरी ए प्लस बी का काम गिवन है, ये ए का ये बी का, सबको ऐड करके देखते हैं. देखो 1/6 इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/x, ए ने जितना एक दिन में काम करा जितना बी ने काम करा ये दोनों का टोटल. ठीक है, तो देखो ये कितना आएगा, इसको यहीं छोड़ो, 1/9 इज इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो इसका साइन आ जाएगा नेगेटिव. ठीक है, सही, तो 1/x इज इक्वल टू, इसको करो जरा सा, 18 है ना, क्या मल्टीप्लाई, एलसीएम लो इन दोनों का तो जाएगा 18, 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी 3 से, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे 2, ऊपर भी 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 1/18. ठीक है, एक दिन में 1/18 काम करेगा बी. ठीक, दैट मीन्स टाइम टेकन निकालो अब जरा सा, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क. कितने टाइम में लगेगा, इसका उल्टा कर दो, हो जाएगा 18 दिन. क्लियर है, ठीक है, आ रहे समझ में, चलो अब हम चलते हैं.